प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपना दोहा 14वां पाठ दोहे को कर रहे हैं। आज हमें दो रहीम के दोहों को करना है और हम उसी से आज शुरुआत करेंगे। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो ये रहीम के दोहे हैं, आखिरी के दोनों। सबसे पहले हम दोहे को लिखते हैं। ये हमारा 7वां दोहा है। रहीमन रहीमन देखी ब्रेन को, लघु न दीजिए डारी, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, आवे सुई, कहां करे तलवार, कहां करे तलवार, तलवारी। तो बच्चों, ये रहीम का दोहा है और इसमें रहीम रहीमन देख बाड़न को रहीम कहते हैं। इसका अर्थ है रहीम जी के अनुसार, या रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटे के महत्व को, या फिर छोटे के छोटी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए। यह मनुष्य का स्वभाव होता है, बड़ी चीज को देखकर उसका महत्व भी बड़ा मानता है, बल्कि छोटी चीजों का महत्व उतना अधिक नहीं देता। तो रहीम के अनुसार हमें बड़ी चीज को महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए और छोटी चीजों का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम जहां पे सुई काम कर सकती है, वहां पे तलवार काम नहीं कर सकती। सबका अपना अपना महत्व होता है। तो जो काम सुई कर सकती है, वो काम सुई छोटी होते हुए भी सिलाई का काम कर सकती है क्या, लेकिन तलवार वो काम कर सकती नहीं कर सकती। तो ये है इसका महत्व। तो हम इसका अर्थ लिखते हैं। तो रहमन देख बाड़न बड़े को, तो रहीम के अनुसार रहीम कहते हैं, दोनों लिख सकते हैं, रहीम के अनुसार या रहीम कहते हैं, रहीम कहते हैं हमें बड़ी बड़ी वस्तु को ही महत्वपूर्ण पूर्ण मान कर
छोटी वस्तु, छोटी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद उदाहरण दिया है, जो काम सुई कर सकती है, सुई कर सकती है है जो काम सुई कर सकती है उसे तलवार भी नहीं कर सकता, उसे तलवार भी नहीं कर सकती। थोड़ी विराम, इसके अंदर हमने देखा कि रहीम जी का दोहा है, तो रहीमन देखी पाड़न को रहीम कहते हैं। रहीम के अनुसार हमें बड़ी वस्तु को ही महत्वपूर्ण मानकर छोटी वस्तु का अनादर नहीं करना, ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, बड़ी चीज को अधिक महत्व देता है, छोटी को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता। लेकिन ये बात गलत है। रहीम के अनुसार हमें बड़ी वस्तुओं को महत्वपूर्ण मानकर छोटी वस्तुओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है उसे तलवार भी नहीं कर सकती। सुई छोटी होती है, उसका काम होता है सिलाई करना, वो सिल सकती है, लेकिन एक तलवार भले बड़ी है, भले देखने में महत्वपूर्ण लगे, लेकिन वो सिलाई का काम सुई की तरह नहीं कर सकती। तो इसमें बड़े और छोटे का, बड़े को हमें महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए, चाहे वो बड़ा वस्तु हो, व्यक्ति हो, सबके लिए आए। बड़े में केवल वस्तु ही नहीं, व्यक्ति की भी बात भी की। हमें बड़े और छोटे का ये भेद नहीं रखना चाहिए कि बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और छोटा, छोटे का अनादर भी नहीं करना चाहिए। तो यही इस रहीम के दोहे में बताया गया है। तो रहीम जी भी कबीर के भांति, उनके भी दोहे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भी समाज को अपने दोहों के माध्यम से प्रेरित किया, समझाया, जैसे कि हमने इसमें देखा कि उन्होंने बड़े और छोटे का भेद मिटाने के लिए कहा। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, उसकी आदत होती है कि वह बड़ी वस्तुओं को श्रेष्ठ मानता है, ऊंचा मानता है, अच्छा मानता है, और छोटी वस्तुओं को उतना अच्छा नहीं मानता। तो रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें, जो मनुष्य अपनी आदत के कारण भेदभाव करता है बड़े और छोटों में, उसको भेदभाव करने से मना किया है, समझाया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इसे आपको नोट करना है। ये हमारा सातवां दोहा है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। लघु का अर्थ छोटे के लिए कहा जाता है, बड़ेन से तो पता ही चलता बड़े के लिए कहा जा रहा है, डारी मतलब उसको त्यागना या उसको अनादर नहीं करना चाहिए। न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी।
तो जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं करता। ये सबको पता है कि सुई छोटा से छोटा सिलाई का काम कर सकता है, लेकिन तलवार तो उसको सिल नहीं सकता, बल्कि और काट देगा। तो एक बार दोहे को याद रखना है, रहमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं, रहीम कहते हैं हमें बड़ी वस्तु को ही महत्वपूर्ण मानकर छोटी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए। जो काम सुई कर सकती है उसे तलवार भी नहीं कर सकती। तो ये था रहीम का हमारा दोहा, सातवां दोहा। अब हम पाठ का, रहीम का अंतिम दोहा है, इस पाठ का भी अंतिम दोहा है, आठवां दोहा। ये है हमारा आठवां दोहा, ये भी रहीम का ही दोहा है। यो रहीम सुख होत है, यो रहीम सुख होत है, यो रहीम सुख होत है, उपकारी के संग बाटन वाले। तो बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग, जो मेहंदी की को रंग ये रहीम का दोहा है। रहीम के दोहे की निशानी क्या होती है, वो अपने नाम भी बीच में उनका आता है। यो यो रहीम सुख होत है, तो इसमें रहीम का नाम भी आ गया। एक और पहचान की विधि है कि रहीम के जो दोनों दोहे हैं उनमें उनका नाम भी आया हुआ है। यो रहीम सुख होत है, उपकारी के संग बाटन वाले को लगे जो मेहंदी के रंग। इसमें कहा है कि रहीम कहते हैं कि जो उपकारी के साथ जो काम करता है शरीर काम, उसका भी भला होता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले का किसी भी शरीर में या हाथों में मेहंदी का रंग लग जाता है, मतलब उसका भी उपकार हो जाता है। तो हम इसे लिखेंगे, इसका अर्थ तो रहीम जी कहते हैं, या रहीम के अनुसार, रहीम के अनुसार, और इस बार लिख देते हैं के अनुसार, रहीम के अनुसार उपकारी के उप
उपकार करने वाले करने वाले के साथ के साथ रहने मात्र से रहने मात्र से उपकार करने वाले के साथ रहने से मनुष्य का भला हो जाता है, भला हो जाता है। रहीम के अनुसार उपकार करने वाले के साथ रहने से मनुष्य का भला हो जाता है। जिस प्रकार उदाहरण है, जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाला, मेहंदी किस काम आती है? हाथ को रंगने के काम आती है। और मेहंदी, पहले मेहंदी को कोई एक व्यक्ति उसको मेहंदी की पत्तियों को तोड़कर पीसा जाता है, और जो मेहंदी बच जाती है, बन जाती है, उसको अलग अलग लोगों को दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, दो फायदा होता है। एक तो बांटने वाले के साथ जिसके हाथ भी लाल रंग के हो जाते हैं, उनको भी रंगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मतलब लाल रंग का यहाँ पे मेहंदी सिक्के रंग का अर्थ है कि भला हो जाना। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले वाले के हाथों में के हाथों में भी हाथों में मेहंदी का रंग रंग लग कर सुंदर हो जाता है। हो जाता है। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले ये रहीम का दोहा है, क्योंकि इसमें रहीम का भी नाम आ रहा है, एक पहचान है हमें। यो रहीम सुख होत है, इसने कहा कि रहीम के अनुसार उपकारी के साथ रहने में भी सुख है। क्यों सुख क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार जो व्यक्ति मेहंदी बांटने जाता है, उसके हाथ में भी मेहंदी का रंग लग जाता है, मतलब उसको भी फायदा हो जाता है। ठीक उसी तरह हमें भी किसी उपकारी व्यक्ति के साथ लगे रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो फायदा है उपकारी, जैसे कि मेहंदी बांटने वाले को ना चाहते हुए भी उसके हाथों में मेहंदी लग जाती है, उसके हाथ सुंदर हो जाते हैं। तो उसी तरह अगर हम भी उपकारी के साथ रहेंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा। यही बात रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से सबको बताया। तो पहले दोहे को याद करते हैं। यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। तो रहीम के अनुसार उपकार करने वाले के साथ रहने से भी मनुष्य का भला हो जाता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के हाथों में मेहंदी का रंग लगकर सुंदर हो जाता है। तो ये
हम कहेंगे रहीम का ये दोहा था, इसने हमें हमारा जो संगत होना चाहिए, साथ होना चाहिए, वो अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। किसके लोग, कैसे लोगों के साथ, जो उपकार करते हों, जो भला काम करते हों, उनके साथ रहने से भी हम हमें फायदा ही होगा। ये किसकी वाणी थी, ये रहीम की वाणी थी। वे हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि हमें मनुष्य को उपकार करने वाले भले लोगों का ही साथ देना चाहिए, उनके साथ रहने मात्र से ही हमारा भला हो जाएगा। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाला व्यक्ति होता है, उसके हाथ पे भी मेहंदी अपने आप लग जाती है और उसके भी हाथ सुंदर हो जाते हैं। तो ये था हमारा रहीम का और इस पाठ का अंतिम दोहा। अब हम जरा शब्दार्थ करेंगे। इस पाठ में मुहावरा तो नहीं है, दोहों में मुहावरा तो होता नहीं, तो इसके अंदर कुछ शब्द आए हैं जो हम कहेंगे अलग अलग भाषा की, खिचड़ी भाषा के शब्द हैं, खासकर बोलियों से प्रभावित हुए हैं। आपको लगेगा कि इसके वर्तनी की गलती है, लेकिन ये बोलियों से प्रभावित शब्द जो है दोहे के, हम उनका अर्थ भी आपको लिख के बताएंगे। तो आपने जरूर ही आठवें दोहे का अर्थ लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं शब्दार्थ। आप इसे अपने नोटबुक में नोट करेंगे। अब हम चलते हैं शब्दार्थ पे, 5-14 के शब्दार्थ। तो इसमें मुहावरे नहीं, दोहों में केवल शब्दार्थ है, मैं शब्दार्थ ही लिख रहा हूं। ये है पहला शब्द है जड़मती। जड़मती जड़मती का अर्थ होता है मूर्ख। ये हमारे पहले दोहे में आया था, आपको याद होगा, इसमें अभ्यास के महत्व को बताया गया था। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, जड़मती मूर्ख को कहते हैं। तो जड़मती मूर्ख भी चतुर या बुद्धिमान हो जाते हैं अभ्यास के, तो जड़मती का अर्थ है यहाँ मूर्ख। दूसरा है हमारा सुजान, जड़मती होत सुजान, सुजान का अर्थ है चतुर या बुद्धिमान, सुजान, सुजान का अर्थ है पाठ में लिखा है चतुर या बुद्धिमान, दोनों ही सही है। तीसरा शब्दार्थ है हमारा रसरी। मैंने बोला था ये बोलियों से प्रभावित शब्द है, रसरी, रसरी अर्थ रस्सी है, र आधा स पूरा स और बड़ी ई की मात्रा, रसरी का अर्थ रस्सी है। सिल पर, सिल का वो पत्थर कहा जाता है, सिल या शिला, सिल को शिला या पत्थर। पत्थर कह सकते हैं, शिला कह सकते हैं, चट्टान कह सकते हैं, शिला। तो देखा जाए तो ये पहले ही दोहे के सारे शब्द हैं। एक बार मैं पहला दोहा भी पढ़ देता हूं। करत करत के अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत नचा। तो पहले दोहे में ही ये सारे इसके अर्थ शब्दार्थ में आ गए हैं। सिल का अर्थ होता है पत्थर शिला, रसरी का हमें पता ही है रस्सी, सुजान का अर्थ है चतुर या बुद्धिमान, जड़वती का मैंने बताया मूर्ख। आगे चलते हैं उद्धम। उद्धम का अर्थ होता है परिश्रम,
उद्यम, उद्यम का अर्थ होता है मेहनत या परिश्रम, दोनों सही है। मेहनत या परिश्रम, और आगे चलते हैं। छठा है पौन, पौन का अर्थ है हवा, पवन या हवा, पवन या हवा। तो ये हमारा था दूसरे दोहे में सब आएंगे, उद्यम और पौन। विद्या धन उद्यम बिना, विद्या और धन बिना परिश्रम के नहीं पाया जा सकता। बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन, पौन का अर्थ है हवा। जिस प्रकार पंखे की हवा बिना हिलाए डुलाए नहीं मिलती है, उसी प्रकार बिना परिश्रम के विद्या और धन अर्जित नहीं किया जा सकता। अब आ जाते हैं अगला शब्द है काल, मिटा देता हूं। सातवां है हमारा काल। तो शब्द अर्थ में सातवां, काल, काल का अर्थ है कल। प्रलय, कुछ कुछ आपको शब्द उसी की तरह मिलेगा जैसे परलय है, परलय इसका अर्थ भी प्रलय है, प्रलय। तो बोलियों के प्रभाव से ये शब्द ऐसे बदल गए हैं। नौवां हमारा है बहुरी, मतलब फिर से कब करेगा। बहुरी का अर्थ होता है, बहुरी का अर्थ होता है फिर। दसवां है पोथी, किताब को पोथी कहा जाता है, पोथी पुस्तकें, किताब या पुस्तकें दोनों ही सही है। मुआ मतलब मरना, मुआ मर गया। बारहवां शब्द है हमारा आखर का अक्षर, आखर ढाई आखर प्रेम की, आखर का है अक्षर, अक्षर। लघु का छोटे, लघु का छोटे, छोटे। चौदवा भी हम यही लिख देते हैं, चौदवा है हमारा बानी, बानी का अर्थ होता है वाणी, बानी का है वाणी। पंद्रवा है हमारा मन का आपा मतलब अहंकार, मन का आपा को अहंकार कहा जाता है। अहंकार। सोलहवां शब्द है औरन, औरों को, औरन का अर्थ है औरों को, औरों को। शीतल, शीतल मतलब
शीतलता देने वाला, शीतल। वो शीतल, शीतल का शीतल, ठंडा या सुखी, ठंडा या सुखी, 18 है पंथी, पंथी को राही या यात्री कहा जाता है, राही। 19 है तलवार, तलवारी, अर्थ है तलवार। और 20वां शब्द है उपकारी, उपकारी अर्थात उपकार करने वाला, उपकार करने वाला। तो बच्चों आज का गृह कार्य है कि आप इसे नोटबुक में लिख करके याद करेंगे, यही आज का आपका गृह कार्य है।